गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 6 इन हिस्ट्री, टाउन ट्रेड एंड क्राफ्टमैन, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडियन इंक्रीज्ड फर्दर अंडर द मुगल रूल. द मुगल रूलर इनकरेज क्राफ्ट एंड ट्रेड. They also establish a sound system of administration and introduce innovative market reforms. Domestic as well as foreign trade increase. Market developed not only in towns but in village also. Some of the important cities that developed in the north were दिल्ली, आगरा, लाहौर एंड श्रीनगर. इन द वेस्ट अहमदाबाद, सूरत एंड उज्जैन केम अप एज फ्लोरिशिंग सिटीज. जो शहरीकरण था वो मुगल रूल में भारत में बहुत अधिक विस्तार पर था. मुगल रूलर जो थे वो क्राफ्ट और ट्रेड को इनकरेज यानी उत्साहित करते थे. वे जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मार्केट उन्होंने वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया. एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केट सिस्टम को वहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. बल्कि गांव में नहीं बल्कि हर जगह उन्होंने जो घरेलू फॉरिजन ट्रेड था उसे इंक्रीज किया. और केवल शहरों में ही नहीं गांव में भी इसका विकास किया. कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज इस समय डेवलप्ड हुई जैसे दिल्ली, नॉर्थ में दिल्ली, आगरा, लाहौर एंड श्रीनगर और वेस्ट में अहमदाबाद, सूरत, उज्जैन और उज्जैन आगे चलकर बहुत ही ट्रेड के सेंटर बने. डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स. Many different type of towns developed during this period. Each was different in the trade, craft and lifestyle of the people. They can be grouped as administrative or capital town, temple or pilgrimage town, founded town and port town. बहुत से different type के जो town थे वो इस period में developed हुए. हर जो trade था प्रत्येक जो है वो अपने ट्रेड और क्राफ्ट और लोगों की लाइफ स्टाइल में डिफरेंट था. इनमें ग्रुप थे जैसे एडमिनिस्ट्रेटेड और कैपिटल टाउन्स, टेंपल और पिलग्रिमेज टाउन्स, फाउंडेड टाउन एंड पोर्ट टाउन. सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव और कैपिटल टाउन के बारे में पढ़ेंगे. दीज वर द टाउन वेयर द रूलर लिव्ड. द टाउन वॉज also the center of administrative machinery. Delhi, Agra, Vijayanagar and Lahore were important administrative town. These towns were often ruled in such a way that they become symbol of the power and influence of their emperors. Palace and mansions dominated the landscape. The culture life revolved around that of the emperor and their family. Administrative or capital town जो थे वो town थे जहाँ वो जगह थी जहाँ पर कि उनके ruler यानी राजा राज करते राजा रहते थे. जो ये town थे ये administrative के तो center थे ही. जैसे कि दिल्ली, आगरा, विजयनगर और लाहौर जो थे ये इम्पॉर्टेंट उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन थे. इन टाउनों का जो जो ये प्रायः जो थे ये टाउन राजा के उस राज्य के राजा की पावर और प्रभाव को दर्शाते थे. यहाँ के जो महल और हवेलियाँ थी वो पूरे लैंडस्केप पर अपना प्रभुत्व रखती थी. और यहाँ की जो कल्चर लाइफ थी वो राजा और उसकी फैमिली के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी. टेंपल एंड
pilgrimage town. Temples were not only place of worship, they were center of living as well. The ruler gave her grants and patronized temple. The temple gave employment to many people. Architect and craftsmen planned and carved temple. Many priests, dancer, musician, cooks, accountant, shopkeeper, etc. were employed in the temple. जो temples town थे वो केवल पूजा करने की जगह नहीं थी बल्कि वहाँ पर जो था वो लिविंग वहाँ का जो जीवन शैली थी वो भी बहुत अच्छी थी. रूलर जो थे यानी कि जो राजा थे वो उसे बहुत दान भी देते थे और उन टेम्पल्स का संरक्षण भी करते थे. टेम्पल्स जो है वो लोगों को बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी भी देती थी. जैसे आर्किटेक्ट और क्राफ्टमैन जो थे वो टेम्पल को प्लान करते थे और कार्व्ड यानी कि उस पर नक्काशी उसको बनाते थे. और बहुत से प्राइस्ड पुजारी, डांसर, म्यूजिशियन, कुक, खाना बनाने वाले, अकाउंटेंट, शॉपकीपर, उन सबको इन्हीं मंदिरों से एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार मिलता था. फेस्टिवल एंड फेयर वर हेल्ड एयर here also. People also gathered in temple to discuss local matter and also to listen to religious discourses. Hospital and school were also attached to the temple complex. All the people attached to the temples lived near them. Pilgrims from far and wide visited these temples. Since this temple developed rapidly due to the presence of temple, they came to be known as temple town. They had a growing population and market. The important temple town were Tanjore, Mathura, Tirupati, Pushkar, Somnath, Madurai, Kanchipuram and many more. Some town like Haridwar, Allahabad and Banaras developed because they were near the holy rivers. Ajmer became an important pilgrimage town when Khwaja Muinuddin Chishti settled here. फेस्टिवल और मेले यहाँ पर मनाए जाते थे. लोग यहाँ बहुत सी संख्या में इकट्ठा होते हैं थे अपने लोकल मैटर को डिस्कस करने के लिए या धार्मिक प्रवचन सुनने के लिए. स्कूल और हॉस्पिटल जो थे वो टेंपल कॉम्प्लेक्स से ही अटैच रहते थे. और ये लोग जो थे वो टेंपल्स के पास में ही रहते थे. तीर्थ यात्री बहुत दूर दूर से इन टेंपल्स को देखने यहाँ पर आते थे. ये इसलिए जो टेंपल्स टाउन थे वो बहुत जल्दी ही डेवलप्ड हो गए क्यों और इनको टेंपल्स टाउन कहा गया. यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई और मार्केट भी यहाँ का बढ़ गया. उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन्स हैं तंजौर, मथुरा, तिरुपति, पुष्कर, सोमनाथ, मदुरई, कांचीपुरम और भी अधिक. और कुछ टाउन्स हैं हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस जो कि इसलिए डेवलप्ड हुए क्योंकि यह पवित्र नदियों के किनारे बसे हुए थे. अजमेर भी एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज टाउन है क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर सेटल हुए थे. नेक्स्ट है फाउंडेड टाउन. मैनी टाउन्स वर फाउंडेड बाय देयर रूलर बाय डिफरेंट रीजन. सुल्तान अहमद शाह फाउंडेड द सिटी ऑफ अहमदाबाद. द सिटी ऑफ सीरी वॉज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी. गयासुद्दीन तुगलक बिल्ड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद. द रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी किप्ट ऑन बिल्डिंग देयर एम्पायर इन दिल्ली बाय फर्दर फाउंडिंग जापना एंड फिरोजाबाद इन द 14th सेंचुरी. हुमायूं कंस्ट्रक्टेड दिल्ली. शेरशाही हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह in 1591 on the bank of the Musi river to overcome water storage
that was experienced at the old capital of Golconda. He built the Char Minar and the Jama Masjid there, and the city was developed rapidly. The city of Fatehpur Sikri was founded by the Mughal Emperor Ashok as a mark of respect to Salim Chishti. Also, he founded this city to the mark of victory over Gujarat. Later, Shahjahanabad was founded by Shahjahan. Founded town ka means hai khoje gaye towns. बहुत से ऐसे टाउन थे जिन्हें रूलरों ने किसी राजाओं ने किसी रीजन से फाउंड किया था या बसाया था. सुल्तान अहमद शाह ने अहमदाबाद बसाया था. सिटी ऑफ सीरी जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने बसाई थी. गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को फाउंड किया था. इसी तरह आगे फिरोजाबाद जो था वो तुगलक वंश के राजाओं ने ही 14 सेंचुरी में इसकी स्थापना की थी. हुमायूं ने दिल्ली शेर शाही जिसे हैदरा की स्थापना की थी. हैदराबाद जो था वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में मूसी नदी के किनारे बसाया था और उन्होंने वहाँ पर चार मीनार और जामा मस्जिद की भी स्थापना की, जिससे यह सिटी बहुत जल्दी डेवलप हो गई. फतेहपुर सीकरी मुगल शाह सम्राट अकबर ने सलीम चिश्ती की रिस्पेक्ट में बनवाई थी और उन्होंने ये एक मार्क है उनकी गुजरात पर विजय का भी. इसके बाद शाहजहानाबाद ये शाहजहां ने फाउंड किया था ये शहर. पोर्ट टाउन इंडिया बीइंग ए पेनिनसुला हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन. द हड़प्पन सिविलाइजेशन कैरीड ऑन ओवरसीज ट्रेड एंड देयर वर इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी लाइक लोथल इवन ज्यूरिंग द एनिशियंट टाइम. ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड ऑल्सो मैनी इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन्स डेवलप्ड. कैम्बे सूरत कोचीन अरिकामेंडू मासीपट्टनम विशाखापट्टनम एंड गोवा वर इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी विथ थ्रिविंग ओवरसीज ट्रेड. पोर्ट टाउन ये जो है इंडिया जो है वो एक प्राय समुद्र तट से घिरा एक प्रायद्वीप है. हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो समुद्र तटीय ट्रेड से ही के कारण ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर पोर्ट थे. जैसे लोथल उस समय का इम्पोर्टेंट पोर्ट था. मिडिवल पीरियड में भी बहुत से पोर्ट टाउन थे जैसे डेवलप्ड हुए, जैसे कैम्बे सूरत कोचीन अरिकामेंडू मासीपट्टनम विशाखापट्टनम और गोवा. ये बहुत ही संपन्न समुद्र तटीय पोर्ट थे. इन पोर्टों के बारे में आप केस स्टडी में डिटेल में पढ़ सकते हैं. क्राफ्ट एंड डोमेस्टिक ट्रेड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड. द अकाउंट ऑफ फॉरिजन ट्रेवलर ट्रैवलर कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ एक्सक्वाइस्ट गुड्स सोल्ड इन द मार्केट ऑफ दोज डे. इंडियन आर्टिशियन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन क्राफ्ट. इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट वर पार्टनाइज्ड बाय इंडियन रूलर. दे वर अनमैच्ड फॉर देयर ब्यूटी एंड स्किल and were popular in the European countries too. The craftsmen flourished in the field of weaving, wood carving, metalwork, pottery and jewelry. During this era, new technique like inlay work, glass in carving, carpet weaving, brocades, enaming, etc. were introduced. The famous Peacock throne is a fine example of gems inlay work and metal craft. फॉरनर ट्रैवलर्स ने अपनी डिस्क्रिप्शन अपनी बुकों में इस बात का डिस्क्राइब किया है इस बात को कि उस समय में
बहुत से उत्कृष्ट सामान मार्केट में मिलते थे, जो इंडियन आर्टिशियन थे उनका इंडियन क्राफ्ट के डेवलपमेंट में बहुत योगदान है। इंडियन आर्ट और क्राफ्ट जो था उसका संरक्षण जो था इंडियन रूलर्स द्वारा किया गया। वे उनका जो स्किल और ब्यूटी थी उनके सामान की, वो केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्री में भी बहुत पॉपुलर थी। क्राफ्टमैन जो थे वो फील्ड ऑफ वीविंग यानी जो बुनाई के काम में, वुड कार्विंग में, मेटल वर्क में, पॉटरी में, ज्वेलरी में बहुत ही फेमस थे। इस इरा में नई टेक्निक का भी जन्म हुआ, जैसे कि इनले वर्क यानी कि जड़ाऊ का काम, ग्लास पर कांच पर पेंटिंग, कारपेट वीविंग और मीनाकारी, इन सब का इंट्रोडक्शन हुआ। जो फेमस पीकॉक थ्रोन है वो एक बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है जड़ाऊ कार्य, रत्न के जड़ाऊ कार्य और मेटल क्राफ्ट का। द मुगल प्रमोटेड ए होस्ट ऑफ क्राफ्ट ट्रेडिशनल लाइक द क्रिएशन ऑफ इनेमल ज्वेलरी। इंडिया डेवलप्ड एज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर एंड ए सोर्स ऑफ प्रीशियस स्टोन एंड ज्वेलरी। बिद्री एंड मीनाकारी क्राफ्ट वर स्पेशली एपराइज्ड बिद्री वेयर एंड वॉज स्मूथ एंड द डार्क कलर्ड मेटल वर्क विद इंट्रिकेट डिजाइन ऑन इट्स ग्लॉसी सरफेस। मुगल जो थे उन्होंने क्राफ्ट ट्रेडिशनल को बहुत पसंद किया, खासकर मीनाकारी ज्वेलरी को। इंडिया में जो थे वो प्रीशियस स्टोन और ज्वेलरी बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था इंडिया में। बीदरी और मीनाकारी जो क्राफ्ट था वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। बीदरी वेयर जो है वो एक स्मूथ और डार्क कलर का मेटल वर्क होता है, जिसमें बहुत ही जटिल डिजाइन होते हैं ग्लोसी सरफेस पर। मैनी टेक्निक वर इंट्रोड्यूस फॉर कलरिंग ऑर्नामेंट एंड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रास एक्सेट्रा। इनेमल वर्क ऑन गोल्ड वॉज डन इन जयपुर एंड वाराणसी। बहुत सी नई टेक्निक का इंट्रोडक्शन हुआ जो कि गहनों पर किया गया, जैसे गोल्ड, सिल्वर या और कॉपर की गहनों को बनाया गया। मीनाकारी का जो वर्क था वो गोल्ड पर जो होता था, गोल्ड में मीनाकारी वो जो थी जयपुर और वाराणसी में ही होता था। इंडिया वॉज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल। टेक्सटाइल वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम। गुजरात वॉज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग सेंटर ऑफ टेक्सटाइल टू अरब कंट्रीज एंड साउथ ईस्ट एशिया। ईस्ट बंगाल वॉज ऑल्सो ए मेजर सेंटर ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। कासिम बाजार इन बंगाल वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर फॉर क्लोथ, कॉटन एंड सिल्क। गुड वाइल ढाका वॉज फेमस फॉर मुस्लिम। इन द साउथ केरला वॉज फेमस फॉर कलर्ड एंड प्रिंटेड क्लॉथ मटेरियल। गोलकुंडा शहलेत एंड पुलिकट वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर टेक्सटाइल। गोलकुंडा वॉज फेमस फॉर इट्स कालमकारी वर्क। इंडिया जो था वो टेक्सटाइल में भी बहुत फेमस था। टेक्सटाइल जो था वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता था। गुजरात जो था वो लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग सेंटर था टेक्सटाइल का अरब कंट्री और साउथ ईस्ट एशिया में। ईस्ट बंगाल जो था उस वहाँ पर कॉटन और सिल्क की टेक्सटाइल वो मेजर सेंटर था। बंगाल का कासिम बाजार था वो इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था कॉटन और सिल्क का, जबकि ढाका जो था वो अपने मुस्लिम के लिए फेमस था। और साउथ केरला अपने कलर्ड और प्रिंटेड क्लोथ मटेरियल के लिए बहुत फेमस था। गोलकुंडा, साहिलेत एंड पुलिकट जो था वो इम्पोर्टेंट सेंटर थे टेक्सटाइल के लिए, और गोलकुंडा जो है अपने कालमकारी वर्क के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। हार्डवुड फर्नीचर इनेम्बलिश्ड विद इनले वर्क वॉज ए वेरी
पॉपुलर आइटम जो हार्डवुड फर्नीचर था, जो कि इनले यानी कि जड़ाऊ कार्य से युक्त तो था, वो बहुत ही पॉपुलर आइटम था यहाँ का। सिंध गुजरात एंड द डक्कन वाज इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर। सिंध गुजरात और डेक्कन जो थे वो इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर थे। द स्किल ऑफ कारपेट वीविंग स्केल्ड न्यू हाइट एंड कारपेट वाज मैट्री कॉल्सी वोवेन। पर्ल फिशिंग वॉज ए मेजर इंडस्ट्री इन साउथ इंडिया। डायमंड्स एवर प्रोड्यूस इन द डेक्कन। पॉलिशिंग एंड कटिंग वॉज डन इन पुलिकट कालीकट एंड विजयनगर। जो कारपेट वीविंग का स्किल था वो एक नई ऊंचाइयों पर बहुत ही बारीकी से बुना जाता था, तो वो बहुत ऊंचाइयों पर इस समय बढ़ रहा था। पर्ल फिशिंग इंडस्ट्री जो थी वो साउथ की मेजर इंडस्ट्री थी। डायमंड जो था वो डेक्कन में प्रोड्यूस होता था। पॉलिशिंग और जो कटिंग का काम होता था वो पुलिकट कालीकट और विजयनगर में होता था। अकॉर्डिंग टू इबिन बटूटा दिल्ली वॉज ए मेजर ट्रेडिंग सेंटर। प्रोडक्ट वॉज डिस्टेंस प्लेस वर सोल्ड इन दिल्ली। ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड फैसिलिटेटेड ट्रेड। मर्चेंट ट्रेवल्ड इन ग्रुप फॉर सिक्योरिटी। रिवर ट्रांसपोर्ट वर आल्सो यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड। लिंबोदर इन गुजरात एंड ढाबोल इन महाराष्ट्र वर मेजर ट्रेड सेंटर विच लिंक द नॉर्थन एंड साउथर्न हाफ ऑफ द कंट्री। इबन बटूटा ने अपनी बुक में लिखा है कि दिल्ली जो था वो उस समय का ट्रेडिंग मेजर ट्रेडिंग सेंटर था। यहाँ पर दूर दूर से जो लोग थे वो अपने सामान को बेचने के लिए दिल्ली आते थे, क्योंकि यहाँ पर रोड्स का जो नेटवर्क था वो बहुत अच्छा था। मर्चेंट जो थे अपनी सिक्योरिटी के लिए ग्रुप में ट्रेवल करते थे। रिवर भी ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा साधन थी। लिंबोदर गुजरात में और धाबोल महाराष्ट्र में ये मेजर ट्रेड सेंटर थे जो कि नॉर्थ और साउथ को जोड़ते थे आपस में। ट्रेड वर फैकल्टीज बाय द ऑर्गेनाइज सिस्टम सेट बाय द गवर्नमेंट। थस इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड फ्लोरिस्ड। फॉरिजन ट्रेवल गेव एक्सटेंसिव अकाउंट अबाउट ट्रेड इन मिडिवल इंडिया। अलाउद्दीन खिलजी हैड इंट्रोड्यूस मैनी मार्केट रिफॉर्म एंड मार्केट वॉज स्ट्रिक्टली सुपरवाइज्ड। ट्रेड जो फैसिलिटी थी वो गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज्ड की जाती थी, जिससे कि केवल इंटरनल ही नहीं बल्कि जो एक्सटर्नल ट्रेड था वो भी ऊंचाइयों पर दौड़ने लगा। फॉरेन ट्रेवलर जो थे वो अपना धन जो था ट्रेड में मिडिवल इंडिया में लगाने लगे। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सी नई मार्केट को इंट्रोड्यूस किया और उसको खुद ही सुपरवाइज भी किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉरिजन ट्रेड। ट्रेड फ्लोरिस्ड बोथ इन आइटम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ऑफ द मैनी आर्टिकल एक्सपोर्टेड वर स्किल पॉटरी आइवरी सैंडलवुड इंडिगो स्पाइस डायमंड प्रीशियस स्टोन एंड शुगर। द इम्पोर्टेंट कंट्री वर दीज आर्टिकल्स एक्सपोर्ट वर अरेबिया पर्शिया चाइना मलाया द फार ईस्ट एंड अफ्रीका। जो ट्रेड था ट्रेड फ्लोरिस्ट आइटम थे वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यानी आयात और निर्यात उनका दोनों ही किया जाता था। उसमें से बहुत सारे जो आर्टिकल थे जो यहाँ एक्सपोर्ट किए जाते थे वो थे पोटरी आइवरी सैंडलवुड इंडिको स्पाइस डायमंड प्रीशियस यानी कीमती स्टोन्स और शुगर। ये जो थे इम्पोर्टेंट कंट्री में ये जो आर्टिकल्स थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे, जैसे अरेबिया पर्शिया चाइना मलाया एंड फार ईस्ट एंड अफ्रीका। एक्सपोर्ट वॉज कैरीड ऑन थ्रू लैंड एज वेल एज सी रूट। जो एक्सपोर्ट था वो लैंड रूट के साथ साथ सी रूट यानी कि जमीन से के साथ साथ समुद्री रास्ते से भी
किया जाता था। हॉर्स एंड ड्राई फ्रूट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। रॉ सिल्क वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। ग्लासवेयर फ्रॉम यूरोप एंड सैटिन फ्रॉम वेस्ट एशिया। फॉरिजन लग्जरी गुड वर हाईली पॉपुलर एमंग द रॉयल्टीज। दीज इंक्लूड वाइन, ड्राई फ्रूट्स, प्रीशियस स्टोन, कॉरल्स, सेंटेंस, ऑयल, परफ्यूम्स एंड वेलवेट। इम्पोर्ट लाइक ब्रॉन्ज, आयरन, वैक्स, गोल्ड एंड वूल वर बॉट इन थ्रो गोवा। कालीकट, कोचीन एंड क्विलन हॉर्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अरेबिया वर सेंट फ्रॉम द पोर्ट ऑफ भक्तकाल इन गोवा टू द साउथर्न किंगडम। द ट्रेड्स ऑफ मालाबार, गुजरात एंड फॉरिजन शेटर कंट्रोल बिजनेस इन द पोर्ट सिटी ऑफ कालीकट, कम्बवत एंड मंगलोर। जो हॉर्स और ड्राई फ्रूट्स थे वो इम्पोर्ट किए जाते थे मिडल ईस्ट में। जो कच्चा सिल्क था वो चाइना से इम्पोर्ट किया जाता था। ग्लासवेयर यूरोप से, सैटन वेस्ट एशिया से। फॉरिजन लग्जरी जो थी उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी रॉयल्टी यानी कि राजघरानों में। इसमें वाइन, ड्राई फ्रूट्स, प्रीशियस स्टोन, कॉरल, ऑयल्स, परफ्यूम्स और वेलवेट भी बहुत पसंद किया जाता था। इम्पोर्ट किए जाते थे ब्रॉन्ज, आयरन, वैक्स, गोल्ड, वूल जो कि गोवा से खरीदा जाता था, कालीकट, कोचीन एंड क्विलोन से। हॉर्स इम्पोर्ट किए जाते थे अरेबिया से जो कि भेजे जाते थे भतकाल गोवा में और जो कि साउथर्न राज्यों से भेजे जाते थे। और मालाबार, गुजरात जो था ये फॉरिजन शेटर था, कंट्रोल करते थे यहाँ पर बिजनेस को। कालीकट, कंबत और मंगलोर ये पोर्ट सिटियां थी यहाँ की। ट्रेड वर साउथर्न एंड चाइना वॉज कैरीड ऑन थ्रो। नाउ ढाका, विजयनगर एंजॉय द मोस्ट वॉल्यूमिनियस मेट्रीन ट्रेड विद डाइवर्स कंट्रीज सच एज पर्शिया, अरेबिया, अफ्रीका, मलाया एंड बर्मा इन चाइना। दिस सिटी वॉज थ्रिविंग सेंटर फॉर ट्रेड, थस इंडिया एंजॉय ए फेवरेबल बैलेंस इन देयर ट्रेड रिलेशन विद अदर कंट्रीज ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। ट्रेड जो था, व्यापार जो था हमारा, वो साउथर्न और चाइना से भी किया जाता था। विजयनगर इंजॉय करता था वहाँ की समुद्र के जो ट्रेड था उसका, क्योंकि यहाँ पर जो है पर्शिया, अरेबिया, अफ्रीका, मलाया, बर्मा एंड चाइना से व्यापार होता था। और जो ये सिटी थी ये संपन्न थी, व्यापार से पूरी तरह संपन्न थी। और इस तरह इंडिया ने जो है अपना ट्रेड का जो बैलेंस है, रिलेशन है अदर कंट्रीज से, वो मिडिवल पीरियड में अच्छी तरह बैलेंस किया। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। गुड बाय।